हाँ दोस्तों, अभी भी हरियाणा से सबसे बड़ी खुशखबरी आ रही है। प्रदेश में जल्द बढ़ेंगे बुढ़ापा पेंशन, 3,000 रुपये होगी बुढ़ापा पेंशन। वही बात करते हैं, मुख्यमंत्री बोले 3 से 8 कास्ट को करप्शन और क्राइम पर प्रहार किया गया है। वही बात करते हैं, प्रदेश सरकार ने 8 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा है कि वृद्धावस्था समान भत्ता अक्टूबर 2014 में 1,000 रुपये मासिक था, जो कि अब बढ़ाकर 2,500 रुपये मासिक हो गया है। अब जल्द ही 300 रुपये की बढ़ोतरी हो चुकी है और जल्द ही 3,000 रुपये मासिक किया जाएगा। वर्ष 2014 में वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों की संख्या 13 लाख थी, जो कि अब बढ़ाकर 8 सालों में 3 सी यानी कॉस्ट और क्राइम पर कड़ा प्रहार और 5 एस यानी शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा सहूलियत और स्वाभिमान पर बल दिया है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग द्वारा सरकार की उपलब्धियां पर संचलित की गई पुस्तिका 8 साल रख्याल ख्याल का अनिवार्य और लोकपान कर भी किया है। तो दोस्तों जुड़े रहे आप सभी लोग हमारे साथ, हमारे वीडियो को अंत तक देखें, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम आप लोगों को हरियाणा के लेटेस्ट खबरें बताते रहेंगे। धन्यवाद।